अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज असा रोही चौलिस्तान आए वे हैं। आज बदल बन गए, मौसम छड़ा हा, सोचियो से रोही फिर दे भी हैं, रूह राजी करेने हैं। ते जड़ी जा सकू जी नज़र सी जड़ी के कैमरे च महफूज करन जरूरी है, तो वो को भी इंशाल्लाह अपने कैमरे च महफूज करके पूरी दुनिया ने लोग ये क्या दुनिया आबाद होनी है, क्या हाल होना चाहिए। ये नवाब सलाह अहमद खान की जागीर उसने सतावी जागीर एक किला डिरावर को तकरीबन 25 किलोमीटर या शहर को घट पहले आती है। नाल ही जागीर है, तो ई जागीर की वो इमारत है कि जेडे बेले नवाब साहब ही जागीर है चावन हा इंदी ई इमारत दे विच अपनी रिहायश रखेंदे हन। हुण तां ये खंडर बनदी वेंदी है, लेकिन तुसां इहदी बनावट इहदी खूबसूरती एक से अंदाजा तो कर सकते हुए ना कि जनरल नवाब सादिक अहमद खान साहब बेइज्जती जीता हा, एक नहीं दी क्या शान और शौकत हो सी। कुछ वारसा ने जो ना दी, कुछ हकूमत पाकिस्तान ने भी सारे वसेब के विरसियां को संभालने बहुत दिलचस्पी तो भज रुक नहीं दिखाई जिड़ी जो बाकी इलाक हकूमत पाकिस्तान करे दिए। ये तो साई इमारत को देखो, ये इमारत सामने बरामदा है पे तो को मैं उन्होंने परले पास चक्कर ला तो वाल आया पर फ्रंट आई बड़े बड़े दरवाजे तो सब बैठे सकते बरामदा नजर आ पे ये वाले देखो ये कमरे हैं और चारों पासों देखो नवाब साहब आदन के जेड़े वेले कोई ठंडा मौसम बने हा या उन्होंने मूझा मूझा व्याह को तो रोही आवेंदे होंगे और वाल कई कई दिहाड़े इतने टिकते हैं जिमें जो हम अगले दिहाड़े वो मियाँ उस्मान अब्बासी साहब न मुलाकात थी तो वह आते हैं कि यार क्या ऑस्ट्रेलिया क्या इंग्लैंड क्या अमरीका रोही जी चासी क्या नहीं जेरे वेले रूह मूझा थींदे या मौसम कोई मेंघ मलहारा थींदी है तो सारे अंदर अचवी मच वेंदी है जो बस हम रोही पुजूँ तो वाल असा इधर ही रोही आने तो कई कई दिहाड़े इतने टिकते हैं। हम मैं तो कोई इमारत के अंदर घेना हाँ, छत्तां तां इन्हां रह नहीं गईयां क्यों जो छत्तां दे उत्ते जिहड़ा समान इस्तेमाल थींदा हा वो यकीनन लखू खा रुपए दा हा, वो इत्थों पटीज ते विक गया सी, दरवाजे खिड़कियां वी पटीज ते विके हो सन क्योंकि हुण वेले जितनियां भी इमारतां नवाब सादिक अहमद खान अब्बासी साहब ने बनवाया या उहदे कोलों पहले बहावर खान साहब ने बनवाया उन्हां दे विच जिहड़ी लकड़ी इस्तेमाल थींदी है वो त्याल चिप सागवान की होंगी है, उनके दरवाजे बनते होंगे उनकी खिड़कियां उनके छत के उ शतीर के पाले पाते होंगे और अजकल के हिसाब न एक एक शहर की लखा रुपए कीमत है और यकीनन इतने जेडे छत का सफाया नजर आ पे खिड़कियां दरवाजे का सफाया नजर आ पे ये इतों पटीज के विके हो सन और इमारत को जोड़ा खंडर बना दिता गया। देखो क्या राउंड का हौसन ये हाल कमरा है वड़ा बरामदे तो बाद इन्दे बाद एक बिया कमरा है। ये देखो इन्दे नाल एक बिया कमरा है, ई पासू कमरा नहीं है वाले ई पासू भी बरामदा है जिमें उडू बरामदा है परले पासू इडू भी बरामदा है उवें दा उवें डिजाइन भी उहो
एक कमरा यह बगैर छाते होने का परले कमरे की अध वाली दीवार जी ढवीज गई है मेरे ख्याल मलबा थी गई है। इतना एक कमरा होता है ये नजरदा पा इतों ये कमरा हा इस साइड वाला कमरा हा वो एक बरामदा वो तक नजरदा पे उसी ई पास हुए ये बरामदा वे इमारत का बिल्कुल इवें ही दूजा बरांडा इमारत ई पास हुए दूहे पासों और इन चारों पासों दरवाजे खुलते पे एडू छबर लाइव परला बरांडा तो सही चले रोही अज बेग मलहारा है नूं भी देखो चढ़ी पड़ी है तो क्या सीन बन गया सावेल के कटेंदी है मगफरत करे आवासी खानदान के नवाबा की जिन्होंने लेकिन अफसोस ना हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दी ना उनके बाद उन्होंने ला तैदाद जोड़े वारे सन उन्होंने इन इमारतों को महफूज रखने कोई दिलचस्पी दिखाई और इनकी हालत ही इतनी खराब थी चुकी है जो अगर कोई वारिस दिलचस्पी गिनण भी चाहे तो एक बड़ा मोटी ख्याल रकम की जरूरत है वो बड़ी मुश्किल थी वैसे क्यों समान आबासी से सेंदे पे नहीं तले भी एक मंजिल है पई ये मिट्टी हटाई वजह तो मंजिल तले भी पूरी की पूरी इमारत जी महफूज हालत मौजूद है मियाँ साहबा पर भी वो जी इन तले इमारत है वो महफूज हालत हाल ही भी मौजूद है। अल्लाह पाक रोही कुछ आदवा बात करे अल्लाह रोही को रंग लावे।